और चलिए सीधे गोरखपुर का रुख कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। व्यक्ति को स्वस्थ बनने की ओर अग्रसर करता है, व्यक्ति स्वस्थ हो और जब व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहेगा तो स्वाभाविक रूप से समाज को भी और राष्ट्र को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाने में अपना योगदान देगा और उसी में सरकार के द्वारा ये सब प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, चाहे वह खेल के मैदान हो, स्टेडियम मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई हो, ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई हो या फिर मंगल दल और युवक मंगल दल को, महिला मंगल दल को खेल सामग्री उपलब्ध करवाने की। हर जगह हम लोग खेल की किट उपलब्ध करवा रहे हैं, हर एक के पास, वॉलीबॉल में दे रहे हैं, फुटबॉल में दे रहे हैं या वहां पर और भी जो खेल से संबंधित जो भी किट उपलब्ध करवाने हैं उन्हें उपलब्ध करवाने में सरकार उपलब्ध करा रही है। अब तक 54,000 से अधिक युवा मंगल दल और महिला मंगल दल को ये उपलब्ध कराए गए हैं, इसलिए उपलब्ध कराए गए हैं जिससे गांव गांव में खेल की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने और नवोदित खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। आज उन्हीं भावनाओं को लेकर के आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है बांसगांव में इस सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन का कार्यक्रम यहाँ पर इस भव्यता के साथ संपन्न हुआ है और इसलिए सभी कार्यक्रमों को छोड़ करके मैं आया हूँ, क्योंकि बांसगांव में पिछली बार में आया था तो समय यहाँ देवी के मंदिर में सुंदरीकरण के कार्य को हम लोगों ने स्वीकृत किया था, यहाँ के चिकित्सालय को स्वीकृत किया था, यहाँ की सड़कों की जो मांग थी वो सड़कें बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ बनने की प्रक्रिया में चल रही हैं, धीरे धीरे करके सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए विकास शासन की प्राथमिकता है। पूरी मजबूती के साथ बिना भेदभाव के सरकार अपने विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के हरेक व्यक्ति को दे रही है, न जाति न मत न मजहब न क्षेत्र न भाषा, सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ हरेक व्यक्ति पर, चाहे वह कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना, सबको खाद्यान्न फ्री में और फ्री में वैक्सीन। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा जिसने वैक्सीन नहीं दी है वैक्सीन जरूर दे, ये सुरक्षा कवच है कोरोना जैसी महामारी। और ये सुरक्षा कवच इसलिए भी क्योंकि इसके नए नए रूप आ रहे हैं, आपने कल देखा होगा दक्षिण अफ्रीका में एक नया वेरिएंट देखने को मिला है कोरोना का, बहुत तीव्र है, सेकेंड वेव से भी तीव्र, बचाओ इसका सर्वोत्तम उपाय हो सकता है और उसके लिए वैक्सीन एक महत्वपूर्ण माध्यम होगा। हम उसका पालन करें, निरंतर पालन करें, क्योंकि अपने जीवन को बचाना और साथ साथ जीविका को भी बचाने के लिए भी प्रतिस्पर्धा करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे इसके लिए निरंतर सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इसलिए सरकार ने देखा है एक तरफ वैक्सीन फ्री देंगे, दूसरी तरफ अन्न योजना, आपने देखा होगा जून जुलाई अगस्त में 3 महीने तक 2-2 बार हर एक गरीब को खाद्यान्न मिला था, अब दीपावली से लेकर होली तक भी हर महीने 2-2 बार हर गरीब को फ्री में राशन मिलेगा, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारक है उन्हें 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक और पात्र गृहस्थी में हर एक कार्ड धारक की प्रति यूनिट, अगर उस परिवार में 9 लोग हैं 9 यूनिट हैं तो 1 यूनिट पे 5 किलो, यानी 9 लोग हैं तो 45 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक उस परिवार को हर महीने सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी और इस कार्यक्रम को दिसंबर से हर एक जिले में लागू किया जा रहा है, जिससे अगर कहीं किसी की आजीविका बनना चाहती है तो सरकार उस लिस्ट से फ्री में राशन की व्यवस्था के साथ उसकी चिंताओं से मुक्त करते हुए हम कोरोना से भी बचाएंगे, महामारी से भी बचाएंगे और भूखमरी से भी अपनी जनता को बचाएंगे। यही सरकार की पूरी पूरा प्रयास है। आज यहाँ पर खेल प्रतियोगिता में जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया उनसे कहूंगा अपने को जितना निखार सकते हैं निखारे, सरकार उनको हर संभव सहयोग करेगी।
हर स्तर पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। हम नौकरियों में भी खिलाड़ियों के आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर एक स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अलग अलग प्रतियोगिताओं में, जैसे ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने स्थान प्राप्त किया है उन्हें भी राज्य में अलग अलग सेवाओं में सेवा का अवसर देने की व्यवस्था, और फिर उनके माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा अभियान सरकार प्रारंभ कर रही है। पैरालंपिक में आपने देखा होगा, अकेले उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसने ओलंपिक में जाने वाले हर खिलाड़ी को और मेडल प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को भी सम्मान दिया था।